सपने में रामोजी राव ने फिल्म सिटी मेरे नाम कर दी। मैं भी एक बात बताऊं, कल रात मेरे सपने में दो दो हीरोइनें आई थी, दोनों ने बहुत परेशान किया। ऐसा क्या, पहले क्यों नहीं बताया? बताया तो था, लेकिन सरोजनी ने कहा कि तुम रामोजी फिल्म सिटी के कागजात लेने गए। हर बार मजा खराब कर। झाड़ू चाहिए? नहीं नहीं ठीक है। ये कौन आ गया, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ किराए पे कमरा था ना मेरा। कमरा किराए का? किसने बुलाया तुम्हें? वो जो काला सा आदमी जिसकी आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं। वही जो भैंसे की तरह दिखता है, जिसने एक आदमी को मार दिया था, वही ना? और वो जो सीढ़ी लेकर हर घर में झांकता फिरता है और जिसकी आंखें बटेर जैसी हैं, वही ना? भाई ऐसे आदमी को तो मैं नहीं जानता। अरे ये आदमी मेरे जीजा से मिलने आया है। हाँ, बोलो क्या काम है? कल मैं आया था, आपने कहा सुबह आ जाना, कमरा मिल जाएगा। चलो चलो चलो, जाके छुप जाओ, तुम खोपचे में आओ। अबे दिमाग है कि नहीं, ये बातें सबके सामने नहीं की जाती, अभी क्यों आया है? आप ही ने तो कहा था। राज की बात सुन, और ये बात किसी को बताना नहीं। ये कमरा दिन भर खाली रहता है, तुम इसमें रह सकते हो। आपका मतलब यहाँ पहले से कोई रह रहा है? यहाँ एक लड़की रहती है, जब वो लड़की सुबह ऑफिस जाएगी तब मैं सीटी बजाऊंगा, तब तुम कमरे में जाओगे। जैसे ही वो शाम को ऑफिस से आएगी मैं फिर सीटी बजाऊंगा, तुम फटाफट वटक लेना। छुट्टी के दिन उसके साथ घूमूंगा। सपने देखना बंद करो, छुट्टी के दिन तुम फुटपाथ पे और लड़की सोएगी खाट पे। इसका मतलब है आप मुझे उस लड़की के जानकारी के बिना ही कमरे में रख रहे हैं। सही पकड़े हो मेरे दोस्त अमरीका प्रसाद। बेवकूफ, कहीं अकल नहीं है क्या? करता है चिल्लाना जरूरी है, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता। तेरे जैसा रूममेट किसी को नहीं मिलना चाहिए। चल अब इतना भाव मत खा, मेरा मैसेज मिला था तुझे। हाँ मिल गया मिल गया, तूने अभी अभी तो कहा इतना भाव मत खा। अच्छा सुना तूने, मेरी बात सुन, मुझे ऑफिस के पास कमरा मिल गया। तो शिफ्ट क्यों कर रहे? मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं यार, कंपनी से यहाँ आने जाने में रोज 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। ये तूने सही कहा, वैसे एक तरह से अच्छा भी है, पास ही में मेरे अंकल रहते, उनके डर से मैं खुल के दारू नहीं पी सकता। तेरे कमरे में मजे करेंगे, खूब दारू पियेंगे, ऐश करेंगे। रात पाली में लड़की रहती है, दिन पाली में वहाँ मैं रहूंगा। अबे ये क्या चक्कर है, रात पाली दिन पाली? हा? लड़की और मकान मालिक को बिना बताए केयर टेकर ने मेरे वहाँ रहने का इंतजाम किया है। छुट्टी के दिन क्या करोगे? मैं यहाँ आकर आराम करूंगा। तो मेरे अच्छे दोस्त हो, मना नहीं करोगे? जब तक मैं अमेरिका नहीं जाता तू यहाँ बिंदास रहे, एक बार मेरा ग्रीन कार्ड बन जाएगा तो आधार कार्ड कैंसिल। तुम अमेरिका जा रहे हो? सोचा तो। अपनी शक्ल देखी है तुमने? रुको 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 रुको, रुक जाओ, दिन के उजाले में सामान उठा कर लाए हो, ये लंगूर कौन है? ये प्रसाद है, मेरा जिगरी दोस्त है। मिलकर खुशी हुई। उसे कहा था ना, क्लास फ्रेंड हो क्लोज फ्रेंड हो, फ्रेंड का फ्रेंड भी नहीं आएगा, समझे? गर्लफ्रेंड इसे लेकर क्यों आयो? मेरा सामान उठाने के लिए। अपना सामान खुद ही उठाना पड़ेगा, भगाओ इसे। इसका रूम तो छोड़ो, मैं इंडिया में नहीं रहने वाला हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, छुट्टी के दिन मुँह उठा कर आ जाना। ठीक है, आगे से मुड़। किस तरह? इस तरह जा रहा हूँ। लगता है ये स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग के द्वार खोलकर अप्सरा के दर्शन करूंगा। मैंने कहा था फिल्म में हीरोइन गोरी है, वो तो काली निकली, लेकिन ये उससे ज्यादा गोरी है, आइंदा झूठ बोला तो सर फोड़ दूंगा तेरा। हाँ, जैसे तू हमेशा सच बोलता है, आया सिर फोड़ने मेरा। नमस्कार महोदय, क्या हमें यहाँ मकान रहने के लिए मुफ्त में मिलेगा? वैसे तुम मुफ्त में क्या करते हो? मैं एक लेखक हूँ और चलचित्र की कहानियाँ लिखता हूँ। अभी तक कितनी कहानियाँ बेची हैं? कहानी तो नहीं बिकी, पर कहानी के पन्ने रद्दी में बिक गए। क्या? अरे सीटी बजाई नहीं और तू आ गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कितनी बड़ी? मैंने अपना शेविंग रेजर बाथरूम में छोड़ दिया। अरे ये क्या कर दिया तूने, अब वो बाथरूम में मुंह धोने जाएगी, अगर उसने रेजर देख लिया मेरा टिकट कट जाएगा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने अपना अंडरवेयर नहीं पहना। अरे तो चिल्लाने की जरूरत क्या है, ये भी तो कभी अंडरवेयर नहीं पहनता। सही है ना, देखो उसकी बीवी कितनी खुश है। अरे चुप करो, ये सब इसके सामने क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है अगर मैंने नहीं पहना है तो इसने पहना होगा। बकवास बंद करो। खिड़की में सूख रहा होगा। सच कह रहा हूँ, सुबह मैंने उसे धोया था, ब्लू कलर का है। बेडरूम की खिड़की या बाथरूम की खिड़की याद नहीं आ रहा है कहाँ टांगा। जल्दी से टांगा मंगा लो, हम सब मेरे गाँव जाएंगे, वहाँ पहाड़ से कूद के हम सब सुसाइड कर लेंगे। तो तुम अकेले भी कर सकते हो। चुप कर, 5 रुपए दो, एक बढ़िया आइडिया लो। ऊँची किस्मत, ये रख, बोल। अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे आओ। हेलो मैडम। तुम लोग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तू बताता क्यों नहीं है? तुम ही चिल्ला रहे थे ना, तुम ही बताओ, तुम ही कह रहे थे ना बार बार कि तुम्हारा शेविंग रेजर बाथरूम में रह गया। हाँ याद आया, बात यह है कि मैं तो बस ये चेक करने के लिए आया था कि नल में ठीक से पानी आ रहा है। अबे मकान मालिक ने हमें पता करने के लिए कहा है कि यहाँ किसी चीज को रिपेयर करने की जरूरत तो नहीं, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकती हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया है, टाइम वेस्ट मत करो, भाग। मैं चेक करके जाऊंगा, नहीं तो मालिक मेरा नल बंद कर देगा। तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तेरा ध्यान किधर है? मैं नल चेक करने जा रहा हूँ, तब तक तुम इन्हें मामला की कहानी सुनाओ। मामला? हाँ। कैसा मामला? हाँ मामला मतलब, हाँ मामला, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अकेले ही सारा ज्ञान दे दिया था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता ना, वैसे ही गीता का ज्ञान सारी दुनिया में लीक कैसे हो गया ये उसकी समझ में नहीं आता। मेरा दोस्त सुब्बा राव बहुत ही बड़ा फाइनेंसर है, उसने वेंगल राव को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 40,000 रुपए लोन पर दिए हैं। सोचो कितने कमाल की बात है, प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद सुब्बा राव वेंगल राव को पहचान नहीं पाया, और तुम
तुम जानती हो वो कौन है? तुम्हें पता भी है विंगल रॉ कौन है? कौन है? अरे जो अंदर है यही है। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हम पागल नहीं है, बस दिमाग से एक किलोमीटर पैदल हैं। चुप करो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट होना तो हम दोनों से पूछ सकती हो, हमें तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। मैडम ऑफिस से थक कर आई है, उन्हें आराम करने दो। भूल गए क्या? क्या? हमें उस लड़के का अंडरवेयर भी तो ढूंढना है। हाँ, याद आया, अंडरवेयर। अब क्या हुआ? दर्द है, बहुत तेज दर्द, पेट में दर्द, इसके भी। एक आइडिया है मुझे, जैसे लड़की चलने लगेगी अंडरवेयर खींच लेना। हमेशा उल्टा सीधा खाता रहता है ये, फिर उसके बाद ये हाल हो जाता है। घर में थोड़ी दवाई होगी तो दे दो ना प्लीज। अच्छा। जैसे बाहर आए अंडरवेयर खींच लेना। ये लो खा लो। दवा हाथ में लेते ही आराम मिल गया। तुमने दी दवा, तुम्हारे लिए दिल से निकली दुआ। वो सब तो ठीक है, अंदर की बात मत बता देना। लो आके, ये आदमी ना कहीं से भी टपक पड़ता है, इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? बीमारी बहुत सीरियस है मैडम। ठीक कहा इन्होंने, जानवरों के अस्पताल भी लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने चीजा को ही दवाई दी थी। ए, चुप रहो तुम। चुप कर। बात यह है कि अंडरवेयर और शेविंग रेजर था तो मैनेज हो गया, अगर कल कोई बड़ा सामान, टोटी मुंह बंद कर, अब मैनेज हो जाएगा। अरे स्वाति, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? सिर में बहुत दर्द हो रहा है, रात को ठीक से सो नहीं पाई। अरे तुझे तो बुखार भी है, तुझे घर पर आराम करना चाहिए था। घर पर अकेले रहने से अच्छा है कि मैं ऑफिस में रहकर ही बेहतर महसूस करूंगी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तू अभी के अभी घर जा, बॉस को मैं बता दूंगी। पर देखो ना कितना सारा काम है। काम होता रहेगा, पहले तो घर जा और दवाई ले ले। घर जाते जाते दवाई ले लूँ। ठीक है, सी यू रमा। लाइन क्लियर। अरे बाप रे, इतना शोर मचा रखा है, ये कौन सा नाच गाना है, हद हो गई यार। अरे इतना शोर शराबा, नाइट ड्यूटी के बाद ये सभी सहन करना पड़ेगा, लगता है आज तो सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ेगी। नाच नाच के जमीन में गड्ढा कर देंगे ये लोग। हे भगवान, ये इस वक्त वापस घर क्यों जा रही है? आज तो हम मारे गए। hey, तुम यहाँ बैठे हो और स्वाति? स्वाति ऑफिस गई। तुम चुप करो और ध्यान से सुनो मेरी बात, अगले 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी यू टर्न लेने वाली है, उस तरफ देखो। चिल्ला क्यों रहे हो? वो लड़की तो हमारी स्वाति जैसी दिख रही है। वो उसकी हमशक्ल नहीं है गधे, वो स्वाति ही है। अगर इसने उसे सोते हुए देख लिया तो गई भैंस पानी में। अब क्या करें? पता नहीं वो किस पोज में होगा। अरे जल्दी दरवाजा खोल, खोल। क्या हुआ, जल्दी वापस आ गए? अभी ठीक नहीं लग रही। उठो उठो जल्दी, खोल खोल खोल। अरे जल्दी औलाद, दरवाजा खोल, खोल खोल। नींद की गोली खाने के बाद भी सोने नहीं दे रहे, हद कर रहे हैं। अबे खोल, परेशान क्यों कर रहे हो? आ रही है, अब हम लोग क्या करेंगे बोलो। 25 रुपए दो मुझे, एक धांसू आइडिया देता हूँ। ले ठूस ले। इसमें बैठ जाओ। लेकिन क्यों? अरे बैठो ना इसमें। तुम मुझे इसमें पैक करके समंदर में फेंकने वाले हो क्या? फेंकने वाले नहीं, बेचने वाले हैं। तुम घुटनों, वो आ रही है, जल्दी से खींचो उसको। खींच तो रहा हूँ। आइए मैडम जी। आप लोग मुझसे बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? आप यहाँ कर क्या रहे हैं? और ये क्या है? ये कद्दू है, इसके दोस्त ने गांव से ताजे ताजे कद्दू भेजे हैं, ऐसे तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, हमने सोचा खड़ा करके ताजा रखते हैं। मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं रखा जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गेट आउट। माफ करना मैडम। गेट आउट का मतलब नहीं पता है क्या? मैंने कहा ना कि बाहर जाओ, बाहर जाओ। अच्छा ठीक है। ए मोटे, शायद मैडम जी को कद्दू अच्छे नहीं लगते, चल यहाँ से ले चलते हैं। आ जा। अरे अरे, उसे नीचे क्यों धकेल रहे हो? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ,
क्या है इस इसमें में? कद्दू है। हकला क्यों रहे हो? अरे आंटी उसमें कद्दू है। कद्दू है? हाँ। अरे कद्दू की सब्जी तो बहुत अच्छी बनती है, एक बार बना के तो देख। अगर उसमें हींग का तड़का देगी ना, क्या स्वाद आएगा, मैं क्या बताऊँ तुझे। देखो सब्जी तो अच्छी बनती है, लेकिन इसको साफ करना काटना बड़ी झंझट का काम है। आप तो भाभी हैं, आपको तो मिलेगा ही। मुझे थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिलेगा, मैं कल दे दूंगा। अंदर चलिए ना। इसीलिए मैं मीटर वाले रिक्शा में नहीं बैठता। हमारे चिट्टी बाबू का बिजनेस सेंस तो कमाल का है। क्यों क्यों? मेरे बारे में ही बात हो रही है ना। अरे हाँ, इधर आओ। धंधे की बात है। इस बोरी में 8 कद्दू हैं। 200 रुपए देकर हमने इसे खरीदा था, तुम 400 में इसे बेच दो, 300 हमारे और 100 तुम्हारा। क्यों? डील। तू इधर आ, चल। कोई चीज की कमी होनी चाहिए। अरे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अभी सब अपने अपने घर जाओ, भिजवा दूंगा। अरे जाओ भाई। सही कहा, चलता हूँ अभी। अरे अरे मुझे खींच क्यों रहे हो? प्यारे पोटी राजू, तुम्हारी बीवी तुम्हें रोज ताने मारती है कि तुम एक पैसा तक नहीं कमाते। हमारी लव मैरिज हुई थी तो सहना पड़ता है। अपना मुंह बंद रखो और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये 8 कद्दू 400 के हैं। सब लोगों का मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया माल है और बाजार में इनकी मांग भी बहुत है। तुम मुझसे ये खरीद कर बेचो, फायदा कितना? पूरे 400। एक और उंगली। जब तुम ये प्रॉफिट ले जाकर अपनी बीवी को दोगे तो रात के खाने में तुम्हें खीर मिलेगी। दूर हट। अरे खुश हो गए। बम चिक बम 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 बम। तुम मुझे हमेशा बेकार और बेरोजगार बुलाती हो ना? हैं? हाँ तो गलत तो क्या इसमें है? सही क्या है? इसे मैं बदल दूंगा। क्या? अभी मुझे 400 रुपए दो, मैं आधे घंटे में 800 कर दूंगा। सब जानती हूँ, ताश खेलोगे ना? ताश के लिए नहीं चाहिए, कद्दू के लिए। सही तरीके से दे दो वरना मैं बिजनेस के लिए चेन बेच दूंगा। चलो मैं भी देखती हूँ कौन सा तीर मार के आते हो। ये लो। थैंक यू, पहली बार बीवी ने मेरी बात मानी। तुम्हारी किस्मत खुल गई। ये लो 400 रुपए। हाँ। पहली बार बिजनेस कर रहा हूँ, 50 का डिस्काउंट तो दो। बिल्कुल नहीं, बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। ओके। कद्दू कद्दू संभालो। ओके। लगी 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 लगी। कद्दू बेचूंगा। कद्दू कहाँ गए? अरे कहाँ गायब हो गए? बोरी कहाँ गई? यहीं पे तो थी, कहाँ गई? ये बोरी तो खाली है, इसके अंदर के कद्दू कहाँ गए? सुनो भाई, इसमें कद्दू थे, तुमने देखे क्या? कद्दू? उम्र हो गई है दद्दू। कद्दू बिक गए क्या? क्या? मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा, इसके अंदर कद्दू थे ही नहीं।